और ये पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं, चेकिंग कर रहे हैं भाई, भगाने का नहीं है भाई। अच्छा, never listen to the noise, I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, can I face this, can I make it, I feel faithless, wish I could replace this. Hi bhai, kaise ho, hi, iska bhi. और ये ब्लॉग देखो, अभी नाइट तक पहुंच चुका है, जैसा कि मैंने इन्हें पहले बताया था। आगे भी ले जाओ ना मो मा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द KSR 21 व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक सडन मतलब सरप्राइज राइड होगी मेरे लिए, तो बिकॉज भाई को टेरी जाना था, न्यू टेरी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये भाई कौन है, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम फर्स्ट। तो ये है अंशुल शर्मा, मेरा दोस्त, पुराना दोस्त है बहुत। तो आज हमारे साथ जो राइड पे आएगा ये भाई है, और आगे एक भाई और मिलेंगे हमें, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। मे बी द राइड विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। तो हम लोग राइड के लिए निकलते हैं, आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। तो सीधा सीधा मिलते हैं आपको, सबसे पहले ऋषिकेश, यहाँ से हम जाएंगे ऋषिकेश, वहाँ एक और बाइक हमें मिलेगी, वो भाई भी न्यू टिहरी तक आएंगे, ठीक है ना। सो, निकल चुका हूँ घर से, अब दोबारा एक और नए सफ़र की तरफ। पहले तो मैं नोएडा से आया हूँ रुड़की, अब रुड़की से निकलूँगा सीधा सीधा न्यू टिहरी के लिए जा रहे हैं। फिलहाल आ चुका है हरिद्वार, और फिलहाल हरिद्वार में है, भाई आ रहा है पीछे। और पता क्या, रुड़की में तो धूप निकल नहीं रही, लेकिन यहाँ निकल रही है थोड़ी। अब मुझे लगता है यहाँ से ऊपर खैर पहाड़ में होगी। फिलहाल ये देखो यार, सुबह हरिद्वार की वाइब्स। वो तो दिन चुका है, 12:21 हो चुके हैं, बट स्टिल यार फील्स लाइक मतलब कि सुबह ही हो रही है अभी, है ना, क्योंकि धूप यार बहुत ही कम निकल रही है, सच बताऊं। एक है भाई, पता नहीं अपने डोमिनार को ना बैलगाड़ी की तरह चला रहा है, जिस हिसाब से चला रहा है भाई, पता नहीं कभी पहुँचेंगे हम लोग न्यू टिहरी। बात तो सही है। लेट्स सी क्या होता है। उधर माता का मंदिर दिख रहा है, ओ पहाड़ी की चोटी पे। तो सबसे अच्छी चीज मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखो महादेव जी की मूर्ति, कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी तक इस लड़के की वजह से ना ये जंगल तक ही पहुंच पाए ऋषिकेश के, बताओ। हालांकि ऋषिकेश आने ही वाला है, बट यार बहुत टाइम लगाता है यार ये लड़का। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और यहाँ पे जो भाई का दोस्त है ना वो मिलेगा हमको। तो तीन बाइक्स हैं न्यू टिहरी जाने के लिए। बच्ची कर रही है बाइक चलाने की इंटरेस्ट, हाँ कर रही है। सो फाइनली पहुंच चुके हैं पहाड़ पे, एंड गाइस यहाँ से आपको मिलेगी थोड़ी थोड़ी लीनिंग्स देखने के लिए, अगेन धनौल्टी वाले ब्लॉक के बाद। तो ये वही रोड है जो टिहरी का रूट है, ये निकला भाई आगे। यार ये रोड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है लिटरली। और ये पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं, चेकिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा रूट यहाँ पे हल्का सा सीधा है, वैसे सीधा क्या यार, अब ये टर्न होएंगे, अब यहाँ से जो शुरू है ना एकदम गजब टर्न्स मतलब मिलते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन यार ये भाई अपना डोमिनार वाला ना थोड़ा सा टर्न्स पे उतना मेरे को लगता नहीं चला पाएगा अभी ढंग से। चला। भाई के लिए फिलहाल ये रोड
अभी नहीं है। तो अपने राइडर्स यार जो है ना, लाइक मैं जिस ऋषिकेश वाली राइड पे आया था, आपको पता होगा हाइपर राइड, तो वो सारे राइडर्स यहीं पे मजे लेते हैं। इन दोनों भाई को हमने लिफ्ट दी है नरेंद्र नगर तक, यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपना चंबा होते हुए न्यू टिहरी। मौसम फिलहाल बहुत ही अच्छा है, कितनी तेज़ धूप निकल रही है। और चंबा यहाँ से है 42 किलोमीटर, और अभी बस जिस भाई का हम वेट कर रहे थे वो हमको यहाँ मिल जाएगा, एंड इसी का दोस्त है, वो वेट कर रहा है यार यहीं कहीं। लेट्स सी, भाई क्या हाल है? खुशहाल भाई। तो ये है भाई अपना दूसरा राइडर जिनका नाम है राहुल, और इनके साथ इनकी वाइफ, इनकी बाइक है सुजुकी जिक्सर SF 250। तो अभी हम यहाँ से करेंगे आगे की राइड कंटिन्यू। सही बाइक ले रखी भाई ने, 250 cc है ना? हाँ 250 है भाई, बहुत अच्छी बाइक ले रखी भाई ने। भाई भगाने का नहीं है भाई। अच्छा मैं तो आराम से चलता हूँ, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो राइड करता हूँ राइडर्स के साथ यहाँ पे ऋषिकेश वाले अपने। तुम आगे निकलो, आगे निकलो। तो ये भाई हमें मिल गए और अब हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना? SF क्या है, SF भाई पेरिंग वाली बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक ले रखी है भाई ने यार, मज़ा ही आ गया मतलब देख के। 250 cc है, एकदम अल्टीमेट। तो देख लो यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, नरेंद्र नगर ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे, और धूप निकली हुई बहुत अच्छी। यहाँ से मैं लगाऊंगा अपना इंस्टा 360 कैमरा और आपको दिखाता हूँ कुछ इंस्टा 360 के शॉट्स, लगाते हैं फिर कैमरा, ठीक है ना? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. तो गाइस ये देखो यार बच्चों के रिएक्शंस कितने प्यारे आ रहे हैं यहाँ पे। सो फिलहाल अभी यहाँ रुके हैं हम लोग, आगे लैंडस्लाइड हुई है क्लियर होगा, जैसे कि आपने धनौल्टी के ब्लॉग में देखा था कि हम लोग जब चंबा से वापस आ रहे थे तो यहीं पे टूटा हुआ था। अगेन ये लोग क्लियर कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे, आई गेस फिर हम लोग चंबा पहुँचने वाले हैं। मैं कैसा लगा आपको वैसे इंस्टा शॉट बताने, लाइक कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो। ये आप देखो ये ऊपर से रास्ता भी खुल चुका है, और बाइक है तो अच्छी बात यह है कि आराम से निकल जाएंगे। वन साइड लोग आ रहे हैं बट स्टिल हम लोग आराम से निकल सकते हैं यहाँ से। चंबा पहुंचने वाले हैं और यहाँ से चंबा है 4 किलोमीटर। तो बस वेट कर रहा था भाई लोगों का। तो अभी फ्रंट के शॉट्स एंजॉय करो गाइस, एंड फिलहाल हम लोग चंबा पहुंचने वाले हैं, 4 किलोमीटर चंबा यहाँ से है। I need changes, I wanna be-
Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. अभी हम लोग जाएंगे मार्केट पे, चंबा की मार्केट. तो आई गेस ये पहले पेट्रोल भरवा रहे हैं. ये है चंबा का मार्केट और आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पर ना मैं उस टाइम नहीं आ पाया था, लेकिन आज मैं सोचा इस पे आ ही जाता हूँ, इस रोड पे. भाई ये लेके आए हैं तो हर जगह की खैर अपने अपने एक ड्यूटी होती है, और यहाँ पर आना हमारी ड्यूटी होती है. मैंने कौन सी बाइक देख रहा था, पल्सर है. पल्सर, पल्सर तूने सुन रखा? हाँ, तो वही तो है. कौन सी क्लास में है तू? फोर्थ में. अभी कहाँ रहता? धारकोट. यहीं पास में ही? उधर है. ओ, यहीं बना रखा घर. चल बढ़िया. तब भाई अभी जो ये अंशुल भाई के दोस्त हैं राहुल भाई, तो इनके घर भी पहुंचेंगे हम. और अंधेरा हो चुका है फुल. अभी तो अंधेरा नहीं हो, खैर अभी तो शाम ही है, पर ठीक ठीक. सो थोड़ी सी ये राइड है हमारी, इवनिंग राइड चल रही है. ओ, बहुत ही तगड़ी हवा है गाइस, बहुत ही तगड़ी हवा. सही बताऊं तो मतलब क्या ही बोले, पहाड़ों की हवा. और वो भी आप जब जनवरी में आ रहे हो. धनौल्टी जितनी इतनी फील नहीं हो रही, क्योंकि 6 बज चुके हैं. इस हिसाब से धनौल्टी में ज़्यादा ठंड लग रही थी. भाई पता नहीं कहाँ रह गया. क्या हाल है भाई, कैसे हो? है ओपी बाइक है, बढ़िया. कौन सी बाइक है? आरएस 200. और ये है डोमिनार. हाय भाई, कैसे हो? कैसे हो? हाय. रावत, कुशाल रावत फ्रॉम गोपेश्वर. हाँ. आप लोग कहाँ रहते हैं? धारकोट. मैं मेरठ से हूँ. हम लोग ये भाई है यहीं पे रहते हैं, उनके घर. अभी आपने देखा होगा ना, आगे एक बाइक पे एक लड़का लड़की गए थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले शायद. गाँव का नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. 40 किलोमीटर से यहाँ से. आप लोग स्टडी करते हैं? बहुत अच्छा लगा मिलकर, अच्छा लगा. चलो बाय बाय बाय. तो देखो यार क्या रिएक्शंस मिले हैं. अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ये, एंड बहुत ही मतलब बहुत ही गजब फील होता है जब कोई ऐसे मिलता है तो. और भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ऊपर देखो आप कितना अच्छा नज़ारा है, मतलब बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा दोबारा पहाड़ों पे आके. और मैं 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं सोए हुए, मुझे 6 बजने वाले हैं. आप देख रहे हो मतलब लाइक 27 घंटे हो चुके हैं मुझे, ठीक है, जिसके बीच में मैंने अपना ऑफिस भी करा है, एंड देन मैं घर भी आया मेरठ रुका उसके बाद. बट मैंने रुड़की से ही कैमरा लगाया एंड ब्लॉगिंग शुरू करी रुड़की से ही. इट इज़ बिकॉज क्योंकि मेरे को मन नहीं था सुबह नोएडा से ब्लॉगिंग करने का, बिकॉज मुझे नहीं पता था मुझे टीरी आना है. बस अंशुल ने बोला तो इस वजह से मैं आ गया. और ये ब्लॉग देखो अभी नाइट तक पहुंच चुका है, जैसा कि मैंने इन्हें पहले बताया था कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बट भाई मान नहीं रहा था क्योंकि हम लोग ब्लॉग भी बनाते हैं. ऊपर से आपकी राइड स्किल भी मैटर करती है कि आप किस तरीके से रास्ते कवर कर लेते हो.
जल्दी से, ठीक है? तो देख लो कितनी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है ना? सो फिलहाल तो गाइज अभी एक भाई आगे है, राहुल, एंड अंशुल पीछे आ रहा है, एंड मैं बीच में चल रहा हूँ इस टाइम। नाइट में थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हो गई और अब भी 7 बज रहे हैं, हम लोग नहीं पहुँचे हैं, बट आई गेस 10 किलोमीटर और होगा, हम लोग भाई के घर पहुँच जाएंगे। मतले रंग नए नए हैं जैसे खुलते हुए, सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों से है भीगे मेरे रास्ते। तो गाने सुनते सुनते और नजारा देखो। अंशुल भाई ट्रैक करके कैसा लग रहा है? तो सुबह पता लगेगा कैसा है। तो मैं सुबह सुबह गाना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा कौन सा बता? परदेसी हूँ। हाँ भाग ले लूंगा। अच्छा तो भाई लोगों बात ऐसी है, भाई ने 8 AM का अलार्म लगाने के चक्कर में 8 PM का लगा दिया है, राहुल भाई। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई के घर पे, थोड़ा सा ही रह गया ट्रैक और अंशुल भाई को पूरा मजा आ चुका है, बेहतरीन मजा आ चुका। कह रहा सुबह की टेंशन है, सुबह चढ़ाई कैसे होगी जब उतराई अभी ऐसी हो रही है। मैंने बोल दिया ना आज दिमाग करके। हाँ खाऊंगा मैं परदेसी हूँ। बढ़िया बोलेंगे। हाँ ये है अर्धकुंवारी। अच्छा यहाँ माता का है दर्शन। अच्छा जी ऐसे करके बोलेंगे। यहाँ तलक तो लाई बेटी आगे भी ले जाओ ना। हाँ ये बात। और फिर मैं बोलूंगा हाँ। जय दीपक कलाद। अच्छा मुझे ताता कल दो। मुझे ताता कल दो। कैसे? मुझे ताता कल दो। अच्छा मो मो। हाँ तो भैया आते बॉन फायर मिल गया हमको, बताओ। बस बढ़िया आते तुम्हारे लिए बॉन फायर। क्या हाल है भाई जी? और ये भाई का घर ठीक है। ये देखो इस मंदिर है कुछ किस तरह से हालत है। 27 घंटे भी जगे हुए हैं। 27 क्या मुझे आई गेस 30 घंटे होने वाले होंगे आई गेस, है ना। और ये अंशुल भी ठीक ठाक है भाई, ठीक है ना अंशुल? माँ मुझे टाटा कह जो, मुझे टाटा कह जो। अरे वाह गाइस दीपक कलाल चढ़ गया ट्रैक करते करते। तो चलो मिलते हैं फिर कल की सुबह। टिल देन जय सुरकंडा देवी माता।